हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपीएफ एकेडमी। आरसीसी स्ट्रक्चर सीरीज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिलेबस चैप्टर सेकंड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हमने चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर लिया है, 20 एमसीक्यूज को हमने देखा है चैप्टर फर्स्ट के। अब इस देखते हैं चैप्टर सेकंड के। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। कार्यकारी प्रतिबल विधि में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो हमें पता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो वर्किंग स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू से या तो कम होता है या उसके बराबर होता है। तो इसलिए यहां पर जो ऑप्शन सही होगा हमारा ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। नेक्स्ट है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज कॉल्ड, कार्यकारी प्रतिबल विधि कहलाती है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड को मॉडलर रेशियो मेथड भी कहते हैं और इलास्टिक थ्योरी मेथड भी कहते हैं, जिसका हमने इसको बताया है जब इस चैप्टर को हमने डिस्कस किया था। तो मॉडलर अनुपात विधि और प्रत्यास्थ सिद्धांत विधि दोनों बोला जाता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड को। इसलिए यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर टू के लिए। नेक्स्ट है, इफ ई एस एंड ई सी आर यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट रेस्पेक्टिवली द मॉडलर रेशियो इज, यदि ई एस और ई सी क्रमशः स्टील और कंक्रीट की यंग प्रत्यास्थता मापांक हैं तो मॉडलर रेशियो मीन्स मॉडलर अनुपात का मान क्या होगा? तो हमें पता है मॉडलर रेशियो को हम एम से डिनोट करते हैं, हमने बताया है, और इसका वैल्यू होता है रेशियो ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। तो इसका वैल्यू होगा ई एस डिवाइड बाई ई सी। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ई एस इफ सिग्मा सी बी सी इज परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट ड्यूरिंग बेंडिंग, यद सिग्मा सी बी सी बेंडिंग के दौरान कंक्रीट की परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर मॉडुलर रेशियो एम। तो मॉडुलर रेशियो एम के लिए कौन सा संबंध सही है? तो हमें पता है एम इक्वल टू होता है 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा सी बी सी। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जब डिस्कस किया था तो हमने इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट हो गया, डिस्टेंस बिटवीन एक्सपोज्ड कंक्रीट फेस एंड नियरेस्ट स्टील रेनफोर्समेंट सरफेस इज कॉल्ड। एक्सपोज्ड कंक्रीट फेस मतलब बाहरी कंक्रीट फेस और उसके नियरेस्ट जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया उसके सरफेस तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर और बोथ ए एंड बी है। हम पहले समझते हैं होता क्या है क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर। एक हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन हम ड्रा कर लेते हैं जिसकी विड्थ बी है। सपोज करते हैं इसकी टोटल डेप्थ जो है कैपिटल डी है, सिंगली रेनफोर्स है, टेंशन जोन में इसके रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं ए एस टी। इस डिस्टेंस की बात हो रही है कंक्रीट के फेस तक की डिस्टेंस की, कंक्रीट जो है कंक्रीट के फेस से लेकर के रेनफोर्समेंट के सरफेस तक, ये रेनफोर्समेंट का सरफेस, तो यहां तक की जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं क्लियर कवर। जब चैप्टर सेकंड डिस्कस किया था तो यहाँ हमने बताया है। और जो सीजी होता है रेनफोर्समेंट के, उसके सीजी से लेकर के कंक्रीट फेस तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर। और जो ये डिस्टेंस होती है सीजी ऑफ द रेनफोर्समेंट से लेकर टॉप मोस्ट कंप्रेसिव फाइबर तक की डिस्टेंस को, इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। तो यहां से भी एमसीक्यू बन सकता है इफेक्टिव डेप्थ। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा है इस डिस्टेंस को लेकर कि कंक्रीट फेस से लेकर के सरफेस ऑफ द नियरेस्ट रेनफोर्समेंट मींस क्लियर कवर इसको बोलते हैं। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रीजन टू प्रोवाइड कंक्रीट कवर इन आरसीसी वर्क। आरसीसी वर्क में कंक्रीट कवर प्रोवाइड करने का कारण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट, यह प्रोटेक्ट है, टू प्रोटेक्ट स्टील वर्क फ्रॉम एनवायरमेंट इफेक्ट, वातावरणीय प्रभाव से स्टील को बचाने के लिए। सेकंड, टू रेस्ट्रिक्ट द अटैक ऑफ कोरोजन टू रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट पर जंग लगने से बचाने के लिए। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर, रेनफोर्समेंट को फायर से बचाने के लिए। तो यहां हमें पता है ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है क्योंकि जो कंक्रीट होता है कंक्रीट एनवायरमेंटल इफेक्ट से भी सेव करता है, कंक्रीट कवर स्टील को स्टील में जंग लगने से भी बचाता है और उसको फायर से भी बचाता है। इसलिए यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, इफ कैपिटल डी इज टोटल डेप्थ ऑफ बीम
एंड डी डैश इज इफेक्टिव कवर ऑफ कंक्रीट ऑन रेनफोर्समेंट एंड स्मॉल डी इज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। यदि बीम की टोटल गहराई कैपिटल डी है और डी डैश जो है इफेक्टिव कवर है और स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ है बीम की, तो कौन सा संबंध सही होगा। हम पहले बीम का एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते हैं। बी विथ ऑफ द बीम, कैपिटल डी टोटल डेप्थ ऑफ द बीम, न्यूट्रल एक्सेस, सिंगल रेनफोर्स बीम है, टेंशन जोन में प्रोवाइड कर देते हैं स्टील AST। इफेक्टिव कवर बताया है, इफेक्टिव कवर इसके सीजी से यहाँ तक की डिस्टेंस डी डैश मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा रिलेशन करेक्ट, और इफेक्टिव डेप्थ डी दिया है, इफेक्टिव डेप्थ को मार्क कर देते हैं। तो हमें देखना है कौन सा रिलेशन यहाँ पर करेक्ट है। तो हम कैपिटल डी इक्वल टू देखेंगे तो होगा कैपिटल डी इक्वल टू हो जाएगा डी प्लस डी डैश, और यहाँ से अगर डी हमें पता करना होता तो क्या होता, कैपिटल डी माइनस डी डैश। तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 7। फिर नेक्स्ट है द बीम सेक्शन इन विच रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ओनली इन टेंशन जोन कॉल्ड, वो बीम सेक्शन जिसमें रेनफोर्समेंट केवल तनन क्षेत्र में प्रोवाइड किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो हमें पता है जैसे ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव जोन, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जो जोन होता है उसको टेंशन जोन बोलते हैं। तो अगर रेनफोर्समेंट केवल टेंशन जोन में प्रोवाइड किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगली रेनफोर्स बीम, और अगर दोनों जोन में प्रोवाइड किया जाता है टेंशन और कंप्रेशन दोनों जोन में, तो उसको बोलते हैं डबली रेनफोर्स बीम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है केवल जब टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं तो उस बीम को क्या कहते हैं, उस बीम को हम सिंगली रेनफोर्स बीम कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इन आरसीसी बीम द एक्सिस एट विच स्ट्रेसेस आर जीरो कॉल्ड, आरसीसी बीम में वो एक्सिस जहां पर स्ट्रेसेस मीन्स प्रतिबल का मान जीरो होता है उसको क्या कहते हैं। तो हमें पता है जहां पर स्ट्रेस के मान जीरो होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, मीन्स बल शून्य रेखा, बल शून्य रेखा। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इन सिंगली रेनफोर्स बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स कंप्रेशन एज टू, सिंगली रेनफोर्स बीम में इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से मेजर किया जाता है, इफेक्टिव डेप्थ कंप्रेशन जोन एज से लेकर के कहाँ तक मेजर किया जाता है। तो हमें पता है ये होता है बीम, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया, ये इसका कंप्रेसिव रीजन हो गया, ये टेंशन हो गया, यहाँ से लेकर के जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है उसके सीजी तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सरफेस ऑफ रेनफोर्समेंट इसको बोलेंगे क्लियर कवर, ये है सीजी, ये ऑप्शन जो लिखा है सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है इफेक्टिव डेप्थ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यहाँ पर नोट कर लेंगे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट टू फाइंड आउट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कार्यकारी प्रतिबल विधि में एक्चुअल डेप्थ को पता लगाने के लिए कौन सा संबंध सही है। तो हमें पता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जब हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ को फाइंड करते हैं तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों जोन कंप्रेशन और टेंशन दोनों जोन का मोमेंट ऑफ एरिया को फाइंड करते हैं और उनको इक्वेट कर देते हैं। जब हमने चैप्टर 2 डिस्कस किया था तो इसके बारे में डिटेल में बताया है, तो उन दोनों को इक्वेट करने के बाद हम एक्चुअल डेप्थ को, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, टू फाइंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन और मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ टेंशन जोन को इक्वेट करते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड करने के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट होगा 12 नंबर क्वेश्चन, इन सिंगली रेनफोर्स बीम इफ बी इज विथ ऑफ द बीम AST एरिया ऑफ टेंशन स्टील एंड इज डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड स्मॉल डी इज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। यदि एक सिंगली रेनफोर्स बीम में बी बीम की चौड़ाई हो, AST तनन स्टील का एरिया हो और N जो है न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ हो और डी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम हो, तो कौन सा संबंध सही होगा। तो हमें देखते हैं ऑप्शन से, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें पता है कि न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ को फाइंड करने के लिए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का लिए एक्सप्रेशन होता है ये, जिस अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन है, तो वो होता है बी
हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया कंप्रेसर और टेंशन जोन का फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, पहले इक्विवेलेंट डायग्राम हम ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एम एस टी एरिया प्रोवाइड करते हैं, बी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दिया है एन, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी इफेक्टिव डेप्थ। तो हमें पता है ये इतनी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी माइनस एन हो जाएगा। अब कंप्रेसर और टेंशन जोन की एरिया मोमेंट ऑफ एरिया को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड करने के लिए। तो क्या होता है, बी इंटू एन, पहले कंप्रेशन जोन का बी एन, बी इंटू एन और इसे का सी जी कितना होगा, एन बाई टू, एन बाई टू इक्वल टू एम ए एस टी, एम ए एस टी एरिया इंटू डिस्टेंस कितना है यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस से, डी माइनस एन। तो ये हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा, बी एन स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा बी एन स्क्वायर इक्वल टू टू एम ए एस टी डी माइनस एन। तो हमारे पास ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट रेनफोर्स्ड बीम वेयर मोस्ट डिस्टेंस कंक्रीट फाइबर इन कंप्रेशन एंड टेंशन इन स्टील अटेंस परमिसिबल स्ट्रेसेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। प्रबलित बीम का वो भाग जहां संपीडन से सबसे अधिक दूरी का कंक्रीट फाइबर और स्टील में तनाव एक साथ अनुज्ञेय मींस परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू को प्राप्त करता है तो उसको कहते हैं। तो हमें पता है अगर कोई बीम सेक्शन है और उस बीम सेक्शन में मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस दोनों एक साथ परमिसिबल वैल्यू को अटेन करते हैं तो उस एक्सिस को हम बोलते हैं, जिस एक्सिस पर इस वैल्यू को एक साथ अटेन करते हैं उस एक्सिस को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल सेक्शन, या उसी को बोला जाता है बैलेंस सेक्शन या इकोनॉमिकल सेक्शन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन जो हैं ए बी और सी तीनों सही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। जहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस एक साथ वैल्यू को अटेंड करते हैं उसको हम बैलेंस इकोनॉमिकल या क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है, इफ एम इज मॉडुलर रेशियो, सिग्मा सी बी सी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड सिग्मा एस टी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर डेप्थ फैक्टर ऑफ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। यदि एम मॉडुलर रेशियो है, सिग्मा सी बी सी कंक्रीट में परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू है और सिग्मा एस टी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस स्टील में है, तो कौन सा संबंध डेप्थ फैक्टर के लिए, किसका डेप्थ फैक्टर, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के डेप्थ फैक्टर के लिए सही होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिटिकल डेप्थ कैसे फाइंड करते हैं। तो हमें पता है जो क्रिटिकल डेप्थ होता है अगर उसको हम डिनोट कर देते हैं एक्स सी से क्रिटिकल डेप्थ को, तो क्रिटिकल डेप्थ का फार्मूला होता है एम सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। कैसे फाइंड करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी हम लगाते हैं स्ट्रेस डायग्राम में, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है चैप्टर टू जब डिस्कस कर रहे थे। तो ये इनटू इफेक्टिव डेप्थ, और हमें पता है जो क्रिटिकल डेप्थ के लिए डेप्थ फैक्टर होता है उसको हम डिनोट करते हैं के से, और के की वैल्यू होती है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिवाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा एम सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा सी। नेक्स्ट है, इफ डी एंड एन आर इफेक्टिव डेप्थ एंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रेस्पेक्टिवली ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स बीम, द लीवर आर्म ऑफ द बीम इज, यद डी और एन बीम के इफेक्टिव डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ हैं क्रमशः, तो सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए लीवर आर्म की वैल्यू क्या होगी। लीवर आर्म मीन्स होता है उत्तोलक भुजा। हमें पता है लीवर आर्म होता क्या है, ये टोटल कंप्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, लीवर आर्म बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर स्ट्रेस डायग्राम वर्किंग स्ट्रेस की बात करें तो कुछ ऐसा बनाए थे, और जो कंप्रेसिव फोर्स एक करता है यहाँ पर, ये न्यूट्रल एक्सेस होता है, न्यूट्रल एक्सेस की वैल्यू जहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है वो न्यूट्रल एक्सेस होता है। तो यहाँ पर मार्क कर देते ये न्यूट्रल एक्सेस, यहाँ पर जीरो, कुछ ऐसा होता है। न्यूट्रल एक्सेस की को यहाँ पर एन से डिनोट किया गया है तो एन से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स जो एक्ट कर रहा है क्योंकि ट्रायंगुलर पोर्शन है तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा इसका डिवाइड बाई थ्री होगा, एन बाई थ्री होगा। और यहाँ पर टेंसाइल फोर्स, लीवर आर्म होता है टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स के बीच की दूरी, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है टोटल ये होता है इफेक्टिव डेप्थ डी,
यहाँ पर ये वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा डी माइनस एन बाई थ्री, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इन सिंगलेट एंड पुश बीम इफ द परमिसेबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेज अर्लियर देन दैट इन स्टील द बीम सेक्शन इज कॉल्ड। यदि सिंगलेट एंड पुश बीम में कंक्रीट की परमिसेबल स्ट्रेस वैल्यू पहले पहुंच जाती है कंपेयर टू स्टील, तो उस सेक्शन को क्या कहते हैं? तो इसको हम समझते हैं, अगर किसी भी बीम सेक्शन में कंक्रीट की परमिसेबल वैल्यू पहले आ जाती है, मीन्स वो अपने परमिसेबल वैल्यू को मैक्सिमम मान पर पहले पहुंच जाता है, तो वहां पर उसका मतलब हुआ कि वो सेक्शन में जो फेलियर आकर होगा कंक्रीट का फेलियर आकर होगा। किसका फेलियर आकर होगा? कंक्रीट का फेलियर आकर होगा। तो कंक्रीट का फेलियर आकर होने का मतलब क्या हुआ कि ये सेक्शन जो हमारा है ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। क्या है? ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, क्योंकि कंक्रीट फेल हो रहा है, स्टील नहीं फेल हो रहा है। तो ऐसे सेक्शन क्या बोलते हैं? ओवर रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं। और अगर स्टील फेल होता, ठीक, अगर स्टील परमिसेबल स्ट्रेस वैल्यू को पहले रीच कर जाती है, तो उस केस में अंडर रेनफोर्स हमारा सेक्शन होगा। तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर हमने हाईलाइट ए सेक्शन को कर दिया, बट यहां पर करेक्ट क्या है? ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो, क्योंकि कंक्रीट फेलियर आकर हो रहा है, तो कंक्रीट फेलियर आकर होने का मतलब हमारे स्टील में फेलियर नहीं हो रहा है, मींस स्टील सफिशियंट अमाउंट में प्रोवाइड किया गया, सफिशियंट अमाउंट से ज्यादा प्रोवाइड किया गया, इसलिए सेक्शन क्या होगा? ओवर रेनफोर्स सेक्शन। और अगर स्टील में फेलियर होता तो उसको क्या बोलते हैं? अंडर रेनफोर्स होगा। तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यहां पर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज सर्विसेबिलिटी? सर्विसेबिलिटी में सेवा योग्यता क्या है? सेवा योग्यता का मतलब क्या होता है? इट फैक्टर्स टू कंडीशन व्हेन स्ट्रक्चर इज नॉट यूजेबल। सेकंड ऑप्शन, इट मींस दैट द स्ट्रक्चर शुड परफॉर्म सेटिस्फैक्टरली अंडर डिफरेंट लोड्स विदाउट डिस्कम्फर्ट टू यूजर। हमें पता है सर्विसेबिलिटी का मतलब होता है जो स्ट्रक्चर है बिना किसी डिस्कम्फर्ट के तो जो यूजर है उसको सुविधा प्रोवाइड करे। तो यहां पर ऑप्शन करेक्ट होगा बी। क्या है? इसका मतलब है कि संरचना को उपयोगकर्ता के लिए असुविधा के बिना विभिन्न भारों के तहत संतोषजनक प्रदर्शन करना चाहिए। मतलब जो यूजर्स है जिसके लिए कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको बिना किसी डिस्कम्फर्ट के वो सेटिस्फेक्टरीली वर्क करना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट होगा, एनालिसिस ऑफ बीम इज रिफर टू। बीम का एनालिसिस किससे संबंधित है? तो हमें पता है जब बीम का एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं? एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स एक्सेट्रा, इस वैल्यू को फाइंड करते हैं, न्यूट्रल एक्सेस की वैल्यू। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर पर, इफ एक्चुअल एक्सिस ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा, यहां पर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस द सेक्शन इज कॉल्ड। तो यहां पर हम समझते हैं, अगर एक्चुअल डेप्थ को हम सपोज करते हैं एक्स ए से डिनोट कर लेते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और क्रिटिकल डेप्थ को अगर एक्स सी से डिनोट कर देते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो अगर एक्स ए की वैल्यू, यहां पर हम कंडीशंस को देखेंगे, अगर एक्स ए की वैल्यू लेस देन होगा एक्स सी से तो उसको हम बोलते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। और अगर एक्स ए की वैल्यू ग्रेटर देन होता है एक्स सी से तो उसको बोलते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन। और अगर एक्स ए की वैल्यू एक्स सी के बराबर होता है, मींस एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू के बराबर होता है, तो उसको बोलते हैं बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बराबर होगी तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड सेक्शन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इफ बी इज विथ ऑफ द बीम, स्मॉल डी इज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम एंड ए एस टी इज एरिया ऑफ टेंशन स्टील, देन परसेंटेज ऑफ स्टील इज व्हाट। यदि बी बीम की विथ है, मीन्स चौड़ाई है, और स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ है बीम की, ए एस टी एरिया ऑफ टेंशन स्टील है, तो परसेंटेज ऑफ स्टील हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हमें पता है परसेंटेज ऑफ स्टील को पीटी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है एएसटी डिवाइड बाय बीडी और टोटल के मल्टीप्लाई में 100 परसेंटेज के लिए। तो यहां पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इन अंडर एनफोर्स सेक्शन फेलियर्स आकर, अगर कोई अंडर एनफोर्स सेक्शन है तो उसमें फेलियर्स कहां पर आकर होगा? तो यहां पर समझते हैं अंडर एनफोर्स का मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं अंडर एनफोर्स। अभी क्वेश्चन इसके ऊपर भी था इससे रिलेटेड। तो अंडर एनफोर्स का मतलब होता है जो
स्टील है, रिक्वायरमेंट से कम प्रोवाइड की गई है। तो जो फेलियर आकर होगा तो स्टील में फेलियर आकर होगा, स्टील फेलियर होगा, स्टील फेलियर। और अगर ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो मींस जो स्टील प्रोवाइड की गई रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रोवाइड की गई है, तो वहां पर जो फेलियर होता है कंक्रीट फेलियर होता है। तो यहां पर समझते हैं, जो स्टील फेलियर होता है, स्टील फेलियर को ही हम लोग बोलते हैं टेंशन फेलियर, स्टील फेलियर और टेंशन फेलियर। और जो टेंशन फेलियर होता है या स्टील फेलियर होता है, इसको एक दूसरा नेम भी बोलते हैं डक्टाइल फेलियर, क्योंकि ये डक्टाइल नेचर का होता है, नम नेचर का होता है, डक्टाइल फेलियर भी बोला जाता है। कंक्रीट फेलियर जो होता है इसको बोलते हैं कंप्रेशन फेलियर, कंप्रेशन फेलियर, या इसी को बोलते हैं ब्रिटल फेलियर, ब्रिटल फेलियर। ब्रिटल फेलियर का मतलब होता है भंगुर फेलियर, बिना किसी अलार्म के ये सडन फेलियर इसमें आकर होता है। तो यहां पर अंडर एनफोर्स सेक्शन की बात किया जा रहा है, तो यहां पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा टेंशन फेलियर आकर होता है अंडर एनफोर्स सेक्शन में, जिसे डक्टाइल फेलियर भी कहते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? तो हमें पता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है इक्वल टू फोर्स इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ लीवर आर्म, चाहे टेंसाइल फोर्स होगा टेंसाइल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कंप्रेशन होगा तो कंप्रेसिव मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ए सिंगली रेनफोर्स बीम हैज विथ बी इफेक्टिव डेप्थ डी, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस एन, एक सिंगली रेनफोर्स बीम है जिसकी चौड़ाई बी है, इफेक्टिव विथ इफेक्टिव डेप्थ मीन्स प्रभावी गहराई स्मॉल डी है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, न्यूट्रल एक्सेस की डेप्थ एन है। इफ सिग्मा सी बी सी एंड सिग्मा एस टी आर परमिसिबल कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस, यदि सिग्मा सी बी सी और सिग्मा एस टी मैक्सिमम मीन्स परमिसिबल का मतलब होता है अनुज्ञेय जिसे बोलते हैं, तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू है सिग्मा सी बी सी कंक्रीट में, और सिग्मा एस टी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है स्टील में सिग्मा एस टी, तो उस केस में, और एरिया ऑफ स्टील जो है ए एस टी है, तो उस केस के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला कौन सा होगा? द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम, बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? तो हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस। तो हमें पता है जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है कंप्रेशन साइड में, मोमेंट ऑफ कंप्रेशन साइड, उसका फार्मूला होता है हाफ अकॉर्डिंग टू नोटेशन सिग्मा सी बी सी, सिग्मा सी बी सी जहाँ पर क्या होता है मैक्सिमम या परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, यहाँ पर किससे नोट किया गया है एन, इंटू लीवर आर्म, लीवर आर्म क्या होता है डी माइनस एन बाई थ्री। और टेंशन साइड में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा एस टी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, यहाँ पर नोट किया गया सिग्मा एस टी से, इंटू एरिया ऑफ स्टील ए एस टी इंटू लीवर आर्म डी माइनस एन बाई थ्री। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा सी करेक्ट होगा 23 के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं कि कब कंप्रेशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला यूज करना है, कब टेंशन साइड से यूज करना है। कंप्रेशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला हम कब यूज करेंगे? जब कंप्रेशन फेलियर आकर होगा, मीन्स कंक्रीट का फेलियर आकर होगा। और कंप्रेशन फेलियर कब होगा? जब ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड से कब यूज करते हैं? जब टेंशन फेलियर आकर होगा। और टेंशन फेलियर कब आकर होगा? जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन क्वांटिटी ऑफ स्टील इन ए बीम सेक्शन इज लेस देन रिक्वायर्ड द सेक्शन इज कॉल्ड। अभी डिस्कस भी किए कि यदि कोई बीम सेक्शन है जिसमें जितना रिक्वायर्ड स्टील है उससे कम प्रोवाइड किया गया है, तो ऐसे सेक्शन को क्या बोलते हैं? तो अगर कोई बीम सेक्शन है और उससे रिक्वायर्ड स्टील से कम स्टील प्रोवाइड किया गया है, तो ऐसे सेक्शन को हम बोलते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन। यहाँ पर हाईलाइट ए हो गया है ऑप्शन, बट ए ऑप्शन यहाँ पर नहीं करेक्ट है, यहाँ पर अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और अगर बीम सेक्शन में स्टील रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं, जितना रिक्वायर्ड उससे ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं, तो ऐसे सेक्शन को हम तब उसको बोलते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो ये सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर बैलेंस सेक्शन का एक ऑप्शन दिया है, बैलेंस या क्रिटिकल सेक्शन, तो ये कौन सेक्शन होता है? ये ऐसा सेक्शन होता है जब स्टील जितना रिक्वायर्ड होता है उतना ही प्रोवाइड करते हैं, तो उस सेक्शन को हम बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। तो चारों ऑप्शंस के हमें मीनिंग पता चल गए, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए टी बीम एग्जिस्ट,
टी बीम में न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? फर्स्ट है विद इन द फ्लेंज, एट द बॉटम एज ऑफ द स्लैब, बिलो द स्लैब, ऑल द अबव। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं टी बीम होता क्या है। टी बीम जिसे हम फ्लेंज बीम भी बोलते हैं, ये टी बीम होता है जिसका ये पोर्शन जो होता है इसको हम बोलते हैं फ्लेंज, और जो ये स्लैब ये पोर्शन होता है इसको बोलते हैं वेब। ये जो होता है इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फ्लेंज, ऑफ फ्लेंज, या इसी को बोलते हैं थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब, ये स्लैब ही होता है, स्लैब का पोर्शन ही होता है। तो अब हमें क्या करना है, देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यूट्रल एक्सिस कहाँ कहाँ पर लाई करता है। फर्स्ट बात विद इन द फ्लेंज, फ्लेंज के अंदर लाई करता है, हमें पता है जब हमने टीवी में डिस्कस किया था तो फ्लेंज के अंदर भी लाई करता है। दूसरा एट द बॉटम एज ऑफ द स्लैब, स्लैब के बॉटम एज पर एक करता है। नेक्स्ट है बिलो द स्लैब, स्लैब के नीचे मीन्स वेब एरिया में लाई करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर सकता है और यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर सकता है न्यूट्रल एक्सिस। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है ए टी बीम बिहेव्स एज रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विथ इक्वल टू इट्स फ्लेंज इफ इट्स न्यूट्रल एक्सिस। एक टी बीम रेक्टेंगुलर बीम की तरीके से बिहेव करती है जिसकी चौड़ाई टी बीम के फ्लेंज के बराबर होती है, फ्लेंज की चौड़ाई के बराबर होती है। मीन्स बी जो होगा, बी अगर विथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बीम है तो उसकी चौड़ाई विथ ऑफ द फ्लेंज के बराबर होता है। इफेक्टिव विथ हम कंसिडर करते हैं, इसलिए इफेक्टिव विथ ऑफ द फ्लेंज बी एफ से डिनोट करते हैं जिसे, तो इसके बराबर होता है। तो किस केस के लिए होता है, जब न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर लाई करती है। तो हमें पता है अगर टी बीम में न्यूट्रल एक्सिस विद इन द फ्लेंज लाई करता है, फ्लेंज के अंदर रहता है, तो उस केस में जो टी बीम होता है रेक्टेंगुलर बीम की तरीके से बिहेव करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा ए रिमेन्स विद इन द फ्लेंज, बिलो द स्लैब, कॉन्साइड द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बीम और नन ऑफ द बीज, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए टी बीम इज बिलो द स्लैब, न्यूट्रल एक्सिस टी बीम का स्लैब के नीचे लाई कर रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लेंज विथ बी, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एन, थिकनेस ऑफ स्लैब डी एस, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम स्मॉल डी, ग्रॉस एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील ए टी एंड द मॉडुलर रेशियो एम मे बी स्टेटेड एज। यदि कोई टी बीम है जिसमें न्यूट्रल एक्सिस स्लैब के नीचे लाई कर रहा है तो उस केस के लिए बी मीन्स विथ ऑफ द बीम फ्लेंज की जो विथ है उसके न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, डेप्थ की डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एन और थिकनेस ऑफ स्लैब डी एस, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम डी, एरिया ऑफ स्टील ए टी और मॉडुलर रेशियो एम में क्या संबंध सही है। तो हम पहले एक बीम ड्रॉ करेंगे टी बीम, ये होगा हमारा टी बीम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी जो है विथ दिया है, ठीक, और न्यूट्रल एक्सिस स्लैब के नीचे, ये स्लैब वाला पोर्शन होता है स्लैब के नीचे, सपोज करते हैं वेब यहां पर कहीं लाई करता है, स्लैब में नहीं लाई करता है, स्लैब के नीचे तो मतलब वेब में लाई करेगा, ये क्या होता है वेब, या इसी को स्टेम या रिब भी बोला जाता है। और क्वेश्चन में गिवन है जो स्लैब है उसकी थिकनेस डी एस है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को दिया है एन से डिनोट करने के लिए, एन से डिनोट कर दिए, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम यहां पर ए एस टी प्रोवाइड कर देते हैं, ए एस टी, इसको डिनोट करना है स्मॉल डी से, मॉडुलर रेशियो एम है। तो हमें बताना है इन सभी जो वैल्यूज हैं इसमें रिलेशंस क्या आएगा। तो हमें पता है हम अगर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करें तो यहाँ पर एक रिलेशन कोई ना कोई मीट कर जाना है। तो हमें पता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करने के लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड से क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया कंप्रेसिव टेंसाइल जोन का हम क्या करते हैं इक्वेट करते हैं, क्योंकि मॉडुलर रेशियो यूज किया गया है तो यहाँ पर क्या वर्किंग स्ट्रेस मेथड ही यूज करना होगा। तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो कंप्रेशन जोन का पहले इक्वेट करेंगे तो क्या होगा बी एरिया पहले बी इंटू डी एस इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा इसकी सीजी तक की डिस्टेंस बात की जाएगी यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा एन माइनस डी एस बाई टू, क्योंकि इसका सीजी होगा डी एस बाई टू पर, रेक्टेंगुलर पोर्शन इसलिए हो जाएगा डी एस बाई टू पर, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस एन माइनस डी एस बाई टू इक्वल टू
एम ए एस टी इक्विवेलेंट एरिया ऑफ स्टील एम ए एस टी इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डी माइनस एन हो जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा डी माइनस एन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो कुछ ऐसा बनेगा, बी डी एस इंटू एन माइनस डी एस बाई टू इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसे एलसीएम ले लेते हैं, यहां पर टू एन माइनस डी एस बाई टू हो जाएगा, एम ए एस टी डी माइनस एन हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो बी डी एस टू एन माइनस डी एस इक्वल टू टू एम ए एस टी डी माइनस एन हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे ऑप्शन सी मीट मिल रहा है, तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा फॉर द क्वेश्चन 27। आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।